एक बार ट्रेन से जुड़ा एक इंजन बारिश की कुछ बूंदों से डरता था। यह एक सुरंग में चला गया और फल के माध्यम से चीखता गया और फिर से बाहर नहीं निकलेगा। इंजन का नाम हेनरी है। उसके ड्राइवर और फायरमैन ने उससे बहस की, लेकिन वह आगे बारिश नहीं मेरी प्यारी हरी पेंट और लाल धारियों को उन्होंने खराब कर देगी। गार्ड ने अपनी सीटी तब तक बजाई जब तक उसकी सांस नहीं बची और अपना झंडा तब तक लहराया जब तक उसकी बाहें नहीं खा गईं। मैं आपके लिए हेनरी अभी भी सुरंग में रहा और उस पर भाग उड़ाई। सभी इंजनों के प्रभारी सर टॉफम हैट के साथ आए। वे उन्हें ब्रिटिश नाम का द फैट कंट्रोलर कहते हैं। हम आपको बाहर निकाल देंगे, नियंत्रक ने कहा, लेकिन हेनरी ने केवल उस पर भाप उड़ा दी। वसा नियंत्रक को छोड़कर सभी ने खींच लिया, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे खींचने से मना किया है। उन्होंने दूसरे छोर से धक्का देने की कोशिश की। वसा नियंत्रक ने कहा, दो तीन धक्का, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। मेरे डॉक्टर ने मुझे धक्का देने से मना किया है। उन्होंने धक्का दिया और धक्का दिया और धक्का दिया। अंत में लेकिन जैसे ही हेनरी सुरंग में रहे। गार्ड ने अपना लाल झंडा लहराया और उसे रोक दिया, और अब वह आगे बढ़ गया और उसे जोड़ दिया, लेकिन फिर भी हेनरी सुरंग में रहा। अंत में थॉमस एक और इंजन की कोशिश करने के लिए साथ आया। गार्ड ने अपना लाल झंडा लहराया, बारिश उसे रुक गई है, उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन यह जल्द ही फिर से शुरू होगा। हेनरी ने कहा, और फिर लाल धारियों वाले मेरे हरे रंग का क्या होगा? थॉमस ने धक्का दिया और फूला हुआ और जितना हो सके उतना जोर से धक्का दिया, लेकिन फिर भी हेनरी सुरंग में रहा। आखिरकार वसा नियंत्रक ने भी हार मान ली। हम आपकी रेल छीन लेंगे, उन्होंने कहा, और आपको हमेशा और हमेशा के लिए यहाँ छोड़ देगा। उन्होंने पुरानी पटरियों को उठाया और उसके सामने एक दीवार बनाई ताकि हेनरी सुरंग से बाहर न निकल सके। वह बस दूसरी सुरंग के माध्यम से भागती गाड़ियों को देख सकता था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसे लगा कि कोई भी उसके प्यारे हरे रंग और लाल धारियों को फिर से नहीं देखेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, एडवर्ड और गॉर्डन अक्सर गुजरते थे। एडवर्ड पीप कहते थे, पीप होलो, और गॉर्डन हेनरी के पास जवाब देने के लिए सही सेवा करता है। उसकी आग बुझ गई थी। सुरंग से सटन की गंदगी ने उसकी हरी रंग की लाल धारियों को वैसे भी खराब कर दिया था। वह सोचता था कि क्या उसे कभी फिर से ट्रेन खींचने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वह उसकी सजा का हकदार था, है ना?